हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अम्ब्रेला कट फ्रिल बाजू और कोल्ड स्लीव्स इसी के साथ है। देखिए, सबसे पहले ये हमारी कुर्ती का कपड़ा है और इसको हमें दो लेयर में करना है बाजू के लिए। इस तरीके से जितनी आप बाजू की लेंथ पहनना चाहती हैं उतनी हिसाब से रख लें। यहाँ से हम फ्रिल से ऊपर रखेंगे 11 इंच तैयार, तो हाफ इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा, हाफ ऊपर। ये हमने 12 इंच कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले इसे अलग कर लेंगे। इस कपड़े को हमने अलग कर लिया है और इसके बाद इसे इस तरीके से फोर लेयर में करेंगे। ये हमारी बंद की साइड है और ये हमारी खुले की साइड है। सबसे पहले हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई है तैयार तो हम 15 इंच रखेंगे और यहाँ से ऊपर जो फ्रिल से ऊपर रहेगी वो हमारी 11 इंच तैयार होगी। तो यहाँ से हमने 12 इंच लिया है और ये आर्म होल्स की साइड से आप अपने हिसाब से लें। वैसे मैं ये 8.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि मैंने जो इसके आर्म होल्स लिए हैं वो 6.5 लिए हैं, तो इससे हमें 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए बस। तो इसमें मैं 8.5 ले रही हूँ आपसे। अब ये देखिए, यहाँ से हमने ये 8.5 कट कर दिया है एक्स्ट्रा कपड़े को। अब हमने यहाँ से इसे 8.5 लिया है, तो यहाँ से हमें ये 3.5 पर एक मार्क करना होगा और यहाँ से खुले की साइड से हमें 2.5 इंच डाउन करना है। इस निशान को हमें इस निशान से मिलाना है इस तरीके से। और यहाँ से बॉटम से आप जितना खुला पहनना चाहते हो उस हिसाब से रखें। ये 5 इंच रखेंगे हम खुला और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई के लिए। यहाँ से बस हम 6 इंच ले रहे हैं और इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिलाना है इस तरीके से। और इसमें हम 1/2 इंच की गहराई और देंगे जो फ्रंट पीस के लिए देंगे। ये यहाँ से देना शुरू करेंगे, ये हमारी फ्रंट पीस के लिए रहेगी। अब इसी तरीके से इसे कट करेंगे। पहले बाहर की साइड से कट कर लेंगे। अब इसको हम इस तरीके से खोल के रखेंगे और यहाँ से ये जॉइंट है इसको भी कट कर लेंगे और जो 1/2 इंच का हमने ये कर्व दिया है इसको कट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पीस की तरफ ही आएगा। और इसके बाद में इसमें जो हम अम्ब्रेला कट फ्रिल लगाएंगे उसके लिए देखिए, एक बार कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर से एक बार करेंगे इसे फोल्ड। अब देखिए, एक बार इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है कपड़े को। ये एक बार फोल्ड है हमारा कपड़ा और अब इसे फिर से फोल्ड करेंगे। ये हम इतना कर रहे हैं क्योंकि चौकोर चाहिए हमें। और इसे एक बार से और फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब देखिए, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। ये यहाँ से हमारा 4.5 इंच है तो 4.5 ही हमें यहाँ पर मार्क करना होगा इस तरीके से। 4.5 पर ही हमें यहाँ कॉर्नर से ही रखना है, स्टेप को यहाँ पर मार्क करना है। अब इसको इस तरीके से शेप दे लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इसे और शेप दी है और यहाँ से हमें सिर्फ 1 इंच पर करना है। इधर भी 1 इंच लेना है और इधर से भी इस तरह से हो गई है ये हमारी अम्ब्रेला। और इससे हम हाई लो बनाना चाहेंगे तो यहाँ से तो देखिए हमने इसे लिया है 4.5 और इधर से हम इसे 6 इंच कर लेंगे तो ये होगी हमारी हाई लो। इसको अगर हम इस तरीके से मिलाते हैं तो ये होगी हमारी हाई लो शेप। तो इसे हम हाई लो शेप में ही कट करेंगे।
और यहाँ से तो हमें 1 इंच ही रखना है। इसे खोल लेंगे, ये हमारी दोनों बाजू के लिए है। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये दो बाजू हो चुकी हैं, और ये ऑरेंज में रहती है तो ये हमारी बढ़ जाती है यहाँ से, इस वजह से ये हमने 1 ही इंच कट किया है। और इसको यहाँ से ये जॉइंट है थोड़ा अलग कर लेंगे। बाजू की फिटिंग करने के बाद इसको लगाएंगे। देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है, ये इधर इधर से हमारा बड़ा है, थोड़ा सा इधर से छोटा है, ये अलग लुक आएगा इसका बिल्कुल बाजू का। और इसके बीच सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। देखिए ये हम बिल्कुल इसके बीच सेंटर में प्रेस कर लेंगे इस तरीके से, और फिर इसमें मार्क करेंगे जहाँ पर हमें कॉल स्लीव बनानी है। उस तरीके से इस मार्क से क्या है कि हमें ध्यान रहेगा कि हमने कहाँ पर निशान लगाया है। और अब एक बुकरम लिया है हमने, इसको इस तरीके से दो लेयर में कर लिया है। देखिए ये जो पीस है हमारा 2 लेयर में होके 4 इंच इधर से है और 4 ही इधर से, यानी 4 इंच का हमने इसे लिया है। अब सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और इसको हमें कट करना है यहाँ से, यहाँ से, और इसके बीच का हिस्सा भी निकाल देंगे। ये इसके चौकोर पीस कट कर दिया है हमने, देखिए इस तरीके से इसको कट कर लिया है। और ये यहाँ से जॉइंट है, इसको भी अलग कर लेंगे। और इसको हमें एक कपड़े के ऊपर सिलना है, पहले इन पीस को इसके ऊपर सिल के और ये कपड़े को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये हमने इस तरीके से पीस तैयार कर लिया और इसके ऊपर लगाना है, तो ये हमें इस तरीके से तिरछा लगाना है। और ये करीब हम 1.5 इंच नीचे से लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा ये बुकरम भी है और 1 इंच हमने ऊपर जगह छोड़ी है, तो ये हमारा 1.5 इंच नीचे रहेगा बाजू पर। और यहाँ पर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला के पिन अप कर लेंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो सुई भी लगा सकते हो, आप सिलाई तुरपाई वाली सुई से सेट कर सकते हो। और अब इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जिस तरीके से हम ये वाली बाजू रेडी करेंगे उसी तरीके से दूसरी वाली को भी तैयार करना है। यहाँ से इसे कट कर लेंगे और पिन को निकाल देंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे कट करेंगे। इसे अच्छे से यहाँ से सेट कर लेंगे। इस तरीके से इसके हम बीच का कपड़ा निकाल देंगे। और अब देखिए इसके जो कॉर्नर हैं इन पे हम कट लगा लेंगे अच्छे से, सिलाई ना कट नहीं पाए, और चारों कॉर्नरों पे हमें कट लगाना है। और इसे पलट के अंदर की तरफ करेंगे। देखिए इसके हमने पलट लिया है और इससे उल्टी साइड से हाथ से हम तुरपाई कर देंगे चारों तरफ। उससे पहले हम इसे मशीन से सेट कर लेंगे ताकि तुरपाई करने में कोई दिक्कत ना हो। इसी तरीके से इस पे चारों तरफ सिलाई करेंगे। इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद तुरपाई करके इस सिलाई को निकाल देंगे। और अब ये जो हमने फ्रिल ली है इसको हमें, ये हमारा सीधी साइड से है, उल्टी साइड कपड़े को रख के और थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही फोल्ड करना है। इस पूरी ही फ्रिल को हमें फोल्ड कर लेना है।
देखिए इसको हमने फ्रिल को भी सिल लिया है पूरा चारों तरफ से राउंडली, और इसकी फिटिंग करेंगे जितना आप खुला रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख लें और बाकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए हम इसकी 5 इंच रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से पक्का कर लेंगे इसको। आप से इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसे यहाँ से शुरुआत करेंगे इसके सिलने की। इस तरीके से इसे सिल लेंगे। अगर कहीं से तो ज़्यादा छोटा लगता है तो खींच लें, अगर बड़ा लगता है तो छोटी सी चुन्नट डाल दें, इससे कुछ नहीं है। इसी तरीके से इसे एक साथ करते हुए हम सिलेंगे। देखिए यहाँ से इसे हम इसी तरीके से पूरे में राउंडली सिलाई लगानी है, इसे पक्का कर लेंगे। देखिए ये पूरे में हमने लगा ली है इस तरीके से, और इसके ऊपर एक दबाने वाली सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से यहाँ पर पूरे में, और ये इस तरीके से हमारी पूरी बाजू बन के कम्प्लीट हो चुकी है। और इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू बना लेंगे। कुर्ती में अटैच करना हमने बता रखा है, और कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग भी हमने पहले ही अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।